बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। दिस इज न्यू सिलेबस प्राइमरी मैथमेटिक्स वर्कबुक 5A और आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस आपके रिवीजन में जो रिलेटेड हैं आपके प्रीवियस चैप्टर्स से। तो प्लीज़ ओपन योर बॉक्स एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। ये क्वेश्चन आपका पेज नंबर 169 पर एक वर्ड प्रॉब्लम है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर हमें एक फ्रैक्शन नजर आ रहा है और क्वेश्चन में है, सीति स्पेंट 1/4 ऑफ हर सेविंग्स ऑन अ ड्रेस। अपनी सेविंग्स का 1/4 यानी टोटल यूनिट्स उसके 4 है, जिसमें से सिर्फ 1 यूनिट उसने स्पेंड किया है एक ड्रेस और एक पेयर ऑफ शूज पर। यानी कि उसने, उसकी जितनी सेविंग्स थी उसके 4 यूनिट्स में से 1 यूनिट का उसने कुछ शॉपिंग की है। ठीक है, द ड्रेस कॉस्ट ₹35। आपको उस ड्रेस की कॉस्ट बताई है, टोटल यानी प्राइस बताई है कि जो उसने ड्रेस खरीदा है वो $35 का था। एंड द पेयर ऑफ शूज कॉस्ट $5 लेस देन द ड्रेस, यानी 35 माइनस 5 $30 के उसने शूज खरीदे हैं। यानी दोनों की टोटल प्राइस हमें पता चल गई। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि अपनी सेविंग्स में से टोटल उसने जो एक्सपेंडिचर है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज 35 प्लस 30, $65 उसने स्पेंड किए हैं और वो 1/4 है उसकी सेविंग्स का। सवाल ये है कि हाउ मच डिड सीति हैव इन हर सेविंग्स एट फर्स्ट। तो आप ये बता दीजिए कि सीति के पास टोटल सेविंग्स थी कितनी, यानी कि ये जो 4 यूनिट्स हैं इसका हमें टोटल कैलकुलेट करना है। 1 यूनिट हमें पता चल चुका है, यहां से पता चल गया, और जब 1 यूनिट पता चल जाए तो 4 यूनिट्स कैलकुलेट करना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बस हमने क्या करना है कि कॉस्ट ऑफ ड्रेस के साथ हमने पेयर ऑफ शूज की कॉस्ट निकाल लेनी है। ये गिवन है और ये हमें बताया कि $5 कम थी, तो वो 35 माइनस 5 $30। टोटल कितना हो गया इनके एक्सपेंडिचर, कितने पैसे खर्च किए हैं, 30 प्लस 35 दैट इज $65। और हमें ये पता है कि टोटल यूनिट्स कितने हैं, 4 यूनिट्स जो उसकी सेविंग्स हैं, जिसमें से 1 यूनिट उसने एक्सपेंडिचर किया है। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि एक्सपेंडिचर के कितने यूनिट्स हैं, 1 यूनिट। और ये 1 यूनिट बराबर है किसके, $65 के, क्योंकि यही 1 यूनिट उसने खर्च किया है जो बराबर है $65 के। तो अगर 1 यूनिट इज इक्वल टू $65 तो टोटल जो सेविंग्स है 4 यूनिट्स की वो कितनी होंगी। तो हमने क्या करना है, 4 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देना है 65 से। हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना टोटल सेविंग्स थी सीति की। ठीक है, तो 65 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, वी कम टू नो दैट इट इज $260। यहां पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो पेज नंबर 170 पर आ जाइए। यहां पर क्वेश्चन है, एट अ शॉप बेकर ओवन्स कॉस्ट $80 ईच। एक बेकर ओवन की प्राइस बताई है $80 है, एंड फॉर्च्यून ओवन्स कॉस्ट $70 ईच। दो तरह के ओवन्स हैं, एक बेकर ओवन्स हैं और दूसरे फॉर्च्यून ओवन्स हैं। दोनों की आपको पर कॉस्ट बता दी है, यानी एक एक ओवन की कॉस्ट कितनी है, एक की $80 है, एक की $70 है। इन वन मंथ द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द सेल्स ऑफ फॉर्च्यून ओवन्स वाज $1,050। फॉर्च्यून ओवन्स की टोटल जो सेल्स हुई हैं वो कितने की हुई है, $1,050 की हुई है। ठीक है, फॉर्च्यून ओवन जो एक $70 का है वो टोटल $1,050 के सेल हुए हैं। कितने हुए ये हमें नहीं पता। ठीक है, एंड द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द सेल्स ऑफ बेकर ओवन्स वॉज $400। और बेकर ओवन्स की जो सेल हुई है वो $400 की हुई है, जो एक $80 का है। ठीक है, तो कितने हमारे पास बेकर ओवन्स या फॉर्च्यून ओवन्स सेल हुए हैं हमें नहीं पता, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। फाइंड द रेशियो, अब हमें क्या करना है, रेशियो कैलकुलेट करना है ऑफ द नंबर ऑफ बेकर ओवन्स टू द नंबर ऑफ फॉर्च्यून ओवन्स सोल्ड इन दैट मंथ। तो वही बात है कि आपको पहले दोनों के नंबर ऑफ ओवन्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल से आप पर यूनिट को डिवाइड कर दीजिए, आपको नंबर पता चल जाएगा। जब दोनों के नंबर पता चल जाएंगे तो दोनों का रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़े से स्टेप्स ज्यादा हैं, लेकिन ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल। आपने बता दिया टोटल कितनी सेल्स हुई है, 1050 की, एक की कॉस्ट $70 है, तो टोटल यूनिट्स कितने सेल हुए होंगे फॉर्च्यून के,
1050 को आपने डिवाइड कर देना है 70 से, 0 से 0 कट हो गया, 7 को आपने 105 से डिवाइड करना है तो आपके पास आ जाएगा 7107, 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया 3 बचा, 5 नीचे उतारा 7535, तो आपके पास 15 यूनिट्स सेल हुए हैं फॉर्च्यून के। और इसी तरह से बेकर्स का आपको कर लेना है, टोटल कॉस्ट में से आपको डिवाइड कर देना है पर यूनिट की, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 यूनिट्स, यानी आपके पास 5 यूनिट्स बेकर्स के सेल हुए हैं और 15 यूनिट्स आपके पास फॉर्च्यून के सेल हुए हैं। आपसे रेशो कैलकुलेट करने के लिए कहा है दी नंबर ऑफ बेकर ओवंस टू दी नंबर ऑफ फॉर्च्यून ओवंस, तो पहले हमें बेकर ओवंस रखने पड़ेंगे और फिर फॉर्च्यून ओवंस रखने पड़ेंगे, तो हम इसी तरह से निकालेंगे 5:15, सिंप्लीफाई कर दें, 5 ones are 5, 5 threes are 15, तो द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बेकर ओवंस टू दी नंबर ऑफ फॉर्च्यून ओवंस सोल्ड इन दैट मंथ इज 1:3। कितना सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी जिन्हाओ हैड टू द अमाउंट ऑफ मनी सैम हैड टू द अमाउंट ऑफ मनी राजू हैड वाज 3:4:8। तीन बच्चे हैं, तीनों का आपको रेशियो बता दिया कि तीनों के पास कितने कितने अमाउंट ऑफ मनी है। सबसे पहले है जिन्हाओ, फिर है हमारे पास सैम और थर्ड नंबर पर है राजू। उनके नंबर ऑफ यूनिट्स हमें पता चल गए हैं। दे हैड रुपीज 105 ऑल टुगेदर और टोटल उनका अमाउंट था कितना वो भी हमें बता दिया। हाउ मच मनी डिड राजू हैव, राजू के हमारे पास थर्ड नंबर पर यूनिट्स हैं, दैट इज 8 यूनिट्स। तो अगर हम इन तीनों यूनिट्स को ऐड कर देंगे तो उससे हम पर यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें टोटल गिवन है। ये भी इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, टोटल यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे, तीनों को ऐड करके वो हमें पता चल जाएंगे 15 यूनिट्स हैं और टोटल मनी भी हमें प्रोवाइडेड है, दैट इज 105 रुपीज। तो हमने बता दिया 15 यूनिट्स बराबर है 105 रुपीज के, इसका मतलब है 1 यूनिट बराबर होगा 105 डिवाइडेड बाय 15। तो हमें पता है, हम सिंप्लीफाई टुकड़ों में करेंगे, दोनों के आखिर में 5 है तो ये 5 से हम पहले डिवाइड करते हैं, 5 threes are 15, 5 twos are 10 और 5 ones are 5, तो 21/3 बचा, 3 के टेबल में 21 हमें पता है, 3 ones are 3, 3 sevens are 21, तो इसका मतलब हो गया कि 1 यूनिट बराबर है 7 रुपीज के। तो हमें पता है कि राजू के कितने यूनिट्स हैं, 8 यूनिट्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि राजू के पास 8 into 7 56 रुपीज हैं। यहाँ पर हमारे ये वर्ड प्रॉब्लम्स खत्म होते हैं रेशो के। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, तो वीडियो को देखते रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।